बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव लगभग पिछले एक हफ्ते से खबरों में चल रहे हैं। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल ही में खबर ये आई थी कि उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन वो अभी भी ICU में वेंटिलेटर पर है। इस बीच अब उनकी हेल्थ से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। राजू श्रीवास्तव के हेल्थ से जुड़ी अब खबर आई है कि उन्हें 3 दिन से हल्का बुखार आ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार ना आए इसके लिए उन्हें दवा दी जा रही है, लेकिन बुखार का आना इस बात का भी संकेत है कि शरीर सामान्य व्यवहार कर रहा है, जो कि अच्छी खबर है। राजू अब भी वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनके सपोर्ट के लिए लगाई गई मशीनों की संख्या पहले के मुकाबले कम कर दी गई है। राजू श्रीवास्तव को अस्पताल में भर्ती किए हुए लगभग एक हफ्ते का समय हो गया है, लेकिन उन्हें अब भी होश नहीं आया। हालांकि हार्ट और पल्स लगभग सामान्य ढंग से काम कर रही हैं। आपको बता दें कि हाल में अपडेट आया था कि डॉक्टर्स ने राजू के परिवार वालों से बातचीत कर किसी से भी उनकी मुलाकात पर रोक लगा दी है। उनसे अब कोई भी नहीं मिल सकता है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि जब से राजू अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तब से हमेशा उनके दोस्त, रिश्तेदार, चाहने वाले यानी कोई ना कोई उनसे मिलने आता रहता है, जिससे राजू को इन्फेक्शन का खतरा है और डॉक्टर्स उनके इलाज के बीच किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। बहरहाल सभी लोग उनकी जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया TV का YouTube चैनल, साथ ही आप हमें सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram और Twitter पर फॉलो करें।